तो यार आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप अपने पिक्चर को अपने स्मार्टफोन में एक प्रो एडिटर की तरह एडिट कर सकते हैं पिक्सआर्ट में। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक। सबसे पहले आपको पिक्सआर्ट में जाना है और उस इमेज को सिलेक्ट कर लेना है जिसे आपको करना है एडिट। तो सिंपली मैंने ये पिक्चर को सिलेक्ट किया, उसके बाद टूल्स में जाके हमको एडजस्ट में जाके यहाँ पे शेडोज देख रहे हैं तो शेडोज में को हमको बढ़ा देना है यहाँ पे। उसके बाद जो क्लैरिटी रहेगा, क्लैरिटी को भी आपको हल्का सा यहाँ पे बढ़ा देना है ताकि पिक्चर में क्लैरिटी आ जाए, और जो ब्राइटनेस है उसको हल्का सा डल कर देना है, फिर नीचे की तरफ कर देना है ताकि जो पिक्चर है वो थोड़ा सा एनहेंस दिखे। उसके बाद आपको ओके कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कटआउट पे जाना है। कटआउट पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जो बोल सकते हैं कि पोर्ट्रेट है उस पर सिलेक्ट करना है, तो सिंपली अपने हिसाब से ये कटआउट कर देगा। उसके बाद क्या करना है, देख लीजिए बहुत सारे एरियाज पे इसने अच्छे तरीके से कटआउट नहीं किया, तो सिंपली आपको मैन्युअली यहाँ पे ब्रश पे जाके आप जो भी एरियाज को उसने अच्छे तरीके से कटआउट या फिर क्रॉप नहीं किया है उसे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पे मैं देख सकते हैं यहाँ पे रबर लेके यहाँ पे जो भी पार्ट को इसने ज़्यादा हिसाब से किया है तो उसको मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ, और यहाँ पे ब्रश से जो भी पार्ट को उसने नहीं लिया है तो उसे मैं सिंपली यहाँ पे मैं बोल सकते फ्रेंड्स उसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और फटाक से यहाँ पे कर लेता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जो भी पोर्शन को इसने नहीं लिया है क्विकली। तो यहाँ पे ये हमारा बोल सकते हैं कि कटआउट एकदम रेडी हो गया। तो कुछ इस तरीके से कटआउट के बाद यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद हमको ड्रॉ वाले ऑप्शन पे जाना है। ड्रॉ के बाद यहाँ पे हमको सिलेक्ट कर लेना है सेव इमेज पे जाके। तो यहाँ पे ये जो इमेज है यहाँ पे ये सेव हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब आपको वो बैकग्राउंड लेना है जिस बैकग्राउंड पर आपको इस पिक्चर को एडिट करना है, फिर पिक्चर को रखना है। तो मैंने ये बैकग्राउंड लिया है। अब ये बैकग्राउंड लेने के बाद हमको यहाँ पे क्या करना है, तो सिंपली हमको यहाँ पे ड्रॉ वाले सेक्शन में जाना है। फिर से नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो ड्रॉ वाले सेक्शन पे जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लेयर आएगा यहाँ पे ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे बोल सकते हैं कि फोटो लेयर हमको यहाँ पे क्विकली एक ऐड कर देना है, और फोटो लेयर में वही कटआउट वाला फोटोज हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो यहाँ पे सिंपली इसे फोटो लेयर वाले एरिया पे यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है या फिर इसको सेव कर देना है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा, और इसको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कर देना है। ट्रांसफॉर्म यानी कि आप अपने हिसाब से ये जो कटआउट है उसे बैकग्राउंड में आप एडजस्ट कर लेना। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। उसके बाद हमको यहाँ पे एक और एम्प्टी लेयर ले लेना है, और उस एम्प्टी लेयर को हमको मिडल में रख देने का है, जो भी हमारा कटआउट इमेजेस है और जो बैकग्राउंड इमेज है। तो कुछ इस तरीके से है। और उसके बाद यहाँ पे ब्रश से या फिर शेडो आप यहाँ पे बोल सकते हैं कि इमेज में यहाँ पे बना सकते हैं, अपने हिसाब से आप ओपेसिटी उसका कम कर लीजिए और जो साइज है वो बढ़ा लीजिए ताकि शेडोज अच्छे तरीके से दिखे। उसके बाद ये सब होने के बाद यहाँ पे फ्रेंड्स आप बोल सकते हैं कि जो इमेज है उसको सेव कर लेना। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे ये जो इमेज है ये बन के आएगा। अब हमको क्या करना है, फिर से इफेक्ट्स में जाना है, और इफेक्ट्स में मैं HDR कर लेता हूँ ताकि जो फोटो है वो थोड़ा सा एनहेंस हो जाए। इसमें मैं फेड को यहाँ पे पूरा कर दूंगा और जो शार्पनेस है फोटोज़ में उसको यहाँ पे मैं कम कर दूंगा ताकि जो फोटो है वो बहुत ज़्यादा शार्प ना लगे, अच्छे तरीके से दिखे। उसके बाद हमको यहाँ पे क्रिस्प पे जाना है। क्रिस्प पे जाने के बाद हमको यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मैं क्रिस्प पे चले जाता हूँ पहले। तो यहाँ पे ये है क्रिस्प वाला एरिया, तो हाँ यहाँ पे मिल गया क्रिस्प। तो यहाँ पे क्रिस्प पे जाने के बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, फिर से जो फेड है उसको यहाँ पे बढ़ा लेना है, ज़्यादा बढ़ा लेना, और साथ में लाइटन कर देना है। अब लाइटन करने के बाद जो बोल सकते हैं जो इमेज है वो थोड़ा सा एक यहाँ पे बोल सकते हैं कि लिट अप हो जाता है यहाँ पे, तो देखने में बहुत ही अच्छा लगता है। ये तो हो गया फ्रेंड्स क्रिस्प की बात, इसको मर्ज कर लेना है। उसके बाद हमको जाना है विग्नेटा में। विग्नेटा में यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे जो साइज़ है वो उसको नॉर्मल रख लेना, यानी कि 50-60 के आसपास रख लेना, और साथ ही में जो फेड है उसको भी यहाँ पे 50-60 के आसपास आप अपने हिसाब से देख लेना कि फ़ोटोज़ किस तरीके से आ रहा है। तो विग्नेटा को यहाँ पे आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना, आपके अकॉर्डिंगली आपको फोटोज़ के अकॉर्डिंगली किस तरीके से दिखता है। तो ये तीन आपको कर लेना है, HDR, क्रिस्प और विग्नेटा पे जाके, ताकि जो फोटो है वो थोड़ा सा इन्हेंस तरीके से आप लोगों को मिले। अब यहाँ पे कुछ नहीं, आप इसको भी मर्ज कर लेना है, और यहाँ पे जो फोटो है वो हो गया है आपका रेडी। तो ये है मेरा फोटो, देख लीजिए कुछ इस तरीके से मिलता है। यहाँ पे प्रीवियस जो फोटो था और ये फोटो में बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का यहाँ पे फ़र्क आ जाता था। कुछ इस तरीके से दिखता है हमारा, ये बोल सकते हैं कि न्यूली यहाँ पे एडिटेड ये पिक्चर जो कि पिक्सआर्ट से किया गया, और विद इन अ मिनट्स यहाँ पे ये पिक्चर को एडिट किया गया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि बिफ़ोर मेरा फोटो कैसा था और आफ्टर कैसा हो गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बैकग्राउंड कितने अच्छे तरीके से यहाँ पे लिट अप हो रहा है, यहाँ पे इतना अच्छे तरीके से दिख रहा है। तो ये यहाँ पे क्विकली आप ईजिली यहाँ पे कर सकते हैं फ्रेंड्स इस पिक्सआर्ट के मदद से। तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे कूल ऑप्शन हमको यहाँ पे देखने को मिला था, और विद इन बोल सकते हैं कि मिनट्स में आप लोग अपना पिक्चर को एक प्रो एडिटर की तरह यहाँ पे एडिट कर सकते हैं इस
द पिक्स आर्ट में। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कुछ पूछ लेना, और साथ ही में फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लो।